कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जैसे ही लॉकडाउन की मियाद आगे बढ़ाई जाती है या क्रमवार तरीके से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या धीरे धीरे वापस लेने का फैसला किया जाता है, वैसे ही मोदी सरकार आर्थिक पैकेज के दूसरे इंस्टॉलमेंट का भी ऐलान करे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार को खासतौर से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो खेती किसानी से हुए या दिहाड़ी मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए रिलीफ के लिए, राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए। साथ आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार को अब क्रमवार तरीके से आर्थिक गतिविधि, खासतौर से एमएसएमई सेक्टर या एक्सपोर्ट सेक्टर, एग्रो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो उद्योग धंधे हैं, उनको आगे किस तरह से क्रमवार तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर भी नीति बनाने की जरूरत है। जो तालाबंदी है देश में, लॉकडाउन, उसके 20 दिन पूरे हो चुके हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्रियों से बातचीत करी कि लॉकडाउन और बढ़ने की संभावना है, जैसा राज्यों ने भी कईयों ने सिफारिश की है, पर इस संक्रमण से देश और दुनिया को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। यहाँ लोग कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पहले कमजोर थी, अब जो संकट आया है उससे कई नई चुनौतियां सामने हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि एक स्ट्रेटजी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री सामने लाएं कि किस तरह क्रमवार लॉकडाउन को हटाया जाएगा, 3 चरणों के अंदर, जैसे कई राज्यों ने कहा और हम भी कहते हैं। प्रथम चरण के अंदर ये आवश्यक हो जाता है जमीनी हकीकत को देखते हुए कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू करना जरूरी है, खास तौर पे एमएसएमईज को, क्योंकि भारत की इकोनॉमी दूसरे देशों से अलग है, विकसित देशों से। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग जो दिहाड़ीदार हैं, जो दिन की अपनी आमदनी पैदा करते हैं, उनको सबसे गहरी चोट पहुंची है और कोई उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का घेरा नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है। दूसरा, एमएसएमई को रिवाइव करना, खास तौर पे जो एक्सपोर्ट से लिंक्ड हैं, निर्यात से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में है, खाद्यान्न के क्षेत्र में है, और एग्रो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज जिनको हम कहते हैं, और उसके साथ साथ जो आम जरूरत की आवश्यक वस्तुएं बनाते हैं छोटे उद्योग या उद्योग, उनको भी पुनः काम करने का सरकार को ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए। उसका कारण एक है कि जो शहरों में, कस्बों में दुकानें खुली हैं, जो प्रोडक्शन लेवल चैलेंजेस हैं सप्लाई साइड के, उसको एड्रेस करने का समय आ गया है, वरना सामान जब बनेगा नहीं फैक्ट्रीज के अंदर तो वो कहाँ से आएगा दुकानों के अंदर। तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त सामने आने वाली है जो हम देख रहे हैं। इसके साथ जो दूसरी बात है किसान की है, अब गेहूं की और सरसों की फसलें कटाई हो रही है या सरसों की कटाई हो चुकी, इसलिए आवश्यक है कि किसानों की फसल खरीदी जाए। आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि पीएम केयर फंड का सारा पैसा पीएम रिलीफ फंड में जाना चाहिए। पीएम रिलीफ फंड 1948 से बना हुआ है और तमाम जो पैसे हैं, खासतौर से उद्योग जगत से जुड़े हुए जो सीएसआर के फंड हैं, जिसमें सरकार ने ये तय कर दिया है कि पीएम केयर फंड में ही सिर्फ उद्योग जगत सीएसआर के जरिए पैसा दे सकता है, उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत कहा है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अगर पीएम रिलीफ फंड में सीएसआर के जरिए पैसे जा सकता है तो जो सीएम रिलीफ फंड राज्यों में है उसमें, उसके लिए भी सीएसआर का दरवाजा खोलना चाहिए। केंद्र सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए राज्यों के साथ। पहले तो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है देश में जो 1948 से है, और राज्यों में भी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, उसी में पैसा जाना चाहिए जिसको भी उसमें अपना कंट्रीब्यूट करना है, योगदान करना है। पर प्रधानमंत्री ने निर्णय करके एक अलग फंड बनाया है। हमारी ये सलाह रही है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि पीएम केयर फंड का पैसा राष्ट्रीय
रिलीफ फंड में होना चाहिए, जिसका सीएजी ऑडिट करता है और संसद को जिसकी रिपोर्ट जाती है। पर आज जो जरूरी बात है, जो उद्योग से भी फंड के लिए पैसा स्वीकार किया जा रहा है, सीएसआर फंड्स कहा गया कि पीएम केयर फंड के लिए ही जा सकता है, ये न्यायोचित नहीं होगा। राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों का रिलीफ फंड है उसमें भी सीएसआर फंड को स्वीकार किया जाना चाहिए, उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि अगर दूसरे मुल्कों के से तुलना की जाए तो भारत सरकार ने अपने जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही कोविड-19 से लड़ने के लिए खर्च किया है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का उन्होंने उदाहरण दिया जहां 10-15% पैसा जो है जीडीपी का वो सरकारें खर्च कर रही हैं। ऐसे में सरकार को और पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आनंद शर्मा ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस लगातार इस बात की मांग कर रही है कि जीएसटी या राज्यों का जो शेयर है उसको केंद्र सरकार को तुरंत जारी करना चाहिए, जो पेंडिंग है उनके ड्यूज जारी करना चाहिए, और साथ ही अगर लॉकडाउन की मियाद जैसा बताया जा रहा है कि आगे बढ़ाई जा सकती है, ऐसे में हर राज्य के लिए अलग से आर्थिक पैकेज का भी ऐलान केंद्र सरकार को करना चाहिए। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।